अगले कॉलर हैं पंजाब से रघुवीर सिंह जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, मैं गुरदासपुर तो बोल रहा हूँ पंजाब से। मैंने ना मिसेज वास्ते अपनी वास्ते गौसिया मंगवाया है। ठीक है, तो उन्होंने यार कोई फर्क नहीं पिया उन्होंने, पई पंजी दिन हो गया खांदे। दूसरी गल पई अपने मैं मंगवाया है अपना जो मैं, हाँ बोलिए, सिरका मंगवाया है मैं उदा। ठीक है, तो वो मैं ले रहा हूँ। दूसरा मेरे ना एलर्जी है ते ददरियां बहुत होंदियां ने। कहाँ, शरीर पे? शरीर हाँ, धौन पे, सिर पे। सिर पे? हाँ, सिर बिच, बालों बिच ते धौन दे उत्ते ददरियां। मैं इलाज बहुत कराया, करक नहीं, खारिश बहुत होंदी है। खारिश? ठीक है, खुजली बहुत होती है, दाने दाने हो गए। हाँ जी हकीम साहब। अच्छा, गौंसिया जो ले रही है उनकी कितनी उम्र है? उनकी उम्र है जी अपने 55 साल। यदि गौंसिया ऐसा 25 दिन में ऐसा करता है या तो दर्द थोड़ा बढ़ा देता है या कम करता है, ऐसा जरूर होता है, तो क्या क्या हुआ है, कम हुआ है ज्यादा हुआ है? नहीं, ज्यादा हुआ। मैंने पहले बहुत इलाज कराया, डॉक्टर कहते हैं कि इनका ऑपरेशन नहीं होना है, पर नहीं नहीं ऑपरेशन नहीं होगा। देखिए, अगर बढ़ने भी लगा है, आपने कहा थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो काम कर रहा है ये। 100 में 2 लोग ऐसे होते हैं जिनका बढ़ के कम होता है, बाकी सबका कम ही होता चला जाता है। तो ये काम कर रही है, अगले 10 दिन में ये कम होने लगेगा। वज़न बिल्कुल ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट इस्तेमाल करें और बहुत मेहनत का काम ना करें। और क्योंकि ये गौंसिया आपका 5 महीने चलेगा और ये अपने ख़त्म होने से पहले आपके मरीज को रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। इससे पहले ऑपरेशन मत कराना आप, जब तक ये ख़त्म ना हो, जब तक ऑपरेशन नहीं कराना। और आप 1-2 महीने में बताते रहिए, हमसे अगर कॉल नहीं मिलती तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी आप आगे की रहनुमाई ले सकते हैं। जी हकीम साहब, एक इनको एलर्जी ऐसी हो गई है जो इनके शरीर पे भी है और वो सर तक चली गई है, और इन्हें खुजली बहुत होती है। हाँ, कैप्सूल पी केयर, पी फॉर पटना, कैप्सूल पी केयर, पी फॉर पटना, एक सुबह लें एक शाम लें खाने के बाद, और शायद 3-4 महीना लेने पड़े। अगर 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने लेना, ताकि हमेशा के लिए इससे निजात मिल सके। जी, तो रघुवीर जी आपसे मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी गौंसिया का इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपकी जो वाइफ है उनका ऑपरेशन ही हो सकता है, तो रुक जाइए, ठहर जाइए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हम ऑपरेशन से ही आपकी वाइफ को बचाना चाहते हैं। तो आपसे कहना चाहूँगी थोड़ा सा सब्र रखिएगा, कुछ महीनों का ट्रीटमेंट और आपको करना है, नुस्खे वैसे ही अपनाने हैं जैसे हकीम साहब आपको बताते हैं। बाकी और अधिक क्वेरी करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। पश्चिम बिहार से अगली कॉलर है मन्नत, स्वागत है आपका। नमस्कार मन्नत, थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए, बोलिए। हेलो मन्नत जी, मन्नत आपके शाहरुख खान के यहाँ से बोल रही हैं? मन्नत तो शाहरुख खान के बंगले का नाम है, आप वहाँ से बात कर रही हैं, तो बताइए क्या सवाल है? मेरी अभी दादी ने आपसे बात करी थी, सुमन सपड़ा। हाँ जी, वो ना उन्होंने वो तो आपका प्रोग्राम पूरा दिन, मतलब कभी साधना चैनल पे, सारे चैनल आपके ढूंढती है कि किस चैनल पे आपका प्रोग्राम आएगा, पूरा दिन टीवी के आगे आपका ही प्रोग्राम देखती है। पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने मंगाई हैं, गौंसिया, गौन मोरिंगा, पता नहीं क्या क्या, घर पे उन्होंने इतना सारा सामान मंगाया हुआ है। तो बताइए सवाल क्या है आपका? आपकी दादी ने गौंद मोरिंगा मंगाई थी, वो नारियल पानी में, मैं 9 साल की हूँ, नारियल पानी में वो पी सकते हैं, मैं ले सकती हूँ? ठीक है। बड़ी प्यारी बच्ची है और सबसे इनसे भी प्यारी इनकी दादी है, जो मुझे इतना फॉलो करते हैं, मेरे फॉलोवर इतना फॉलो करते हैं, कभी कभी मैं शर्मिंदा सा हो जाता हूँ कि इतनी तो कोई फिल्म भी नहीं देखता शाहरुख खान की। और देखिए, मैं तो समझा कि आप शाहरुख खान के घर से बोल रही हैं मन्नत।
मन्नत उनके घर का नाम है, ऐसा मैंने सुना है। दादी को मेरा सलाम कहिए, और गौंसिया जो है वो आधा आधा ग्राम दो बार ले सकते हैं, दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। असली लिया होगा, अगर हमारे यहाँ से मंगाया होगा तो असली मिलता है, बाहर से लिया तो नकली। और ये आप आधा ग्राम लिया करें गौंद मोरिंगा, रईस हैं तो नारियल पानी मिलाकर, गरीब हैं तो पानी मिलाकर आप लिया करें, और आपको फायदा मुमकिन है। पंजाब से अगले कॉलर हैं अवतार सिंह, स्वागत है अवतार जी। हाँ जी, बताइए, सवाल करिए। हाँ जी, मेरी आयु है 45 वर्ष। जी, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अच्छा खाता पीता हूँ लेकिन सेहत नहीं बनती, चेहरे में रंगत नहीं है। जी, देखिए रंगत का भी एक इलाज है, चेहरे की रंगत का एक आता है गौंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें गौंद मोरिंगा सफ़ेद लें 100 ग्राम, सफ़ेद वाला ही लेना, ये नकली भी मिलता है, सफ़ेद वाला लेना, लाल हरा पीला कुछ मत लेना, गौंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, और आंवला सूखा मिलता है वो 100 ग्राम, ये दोनों आपस में मिलाकर पाउडर बना लें और एक चम्मच रोज़ खाया करें पानी से या दूध के साथ, आप दिन में एक खुराक ही ले सकते हैं, आपका चेहरा और आपकी बहुत सारी चीज़ें देखने दिखाने की हो जाएंगी, बाल भी खूब रहते हैं इससे, और जो बच्चे जिनके वहाँ से निकलते हैं पिंपल्स निकलते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनके बाल नहीं बढ़ते उनके लिए बहुत अच्छा है, जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगले कॉलर हैं राजस्थान से, किरण जी स्वागत है आपका। हेलो, मेरा नाम है किरण, मेरे दादाजी का नाम है रामाकिशन जी, उनको थोड़ी कब्ज रहती है। कब्ज रहती है। यदि कब्ज का अभी मैं इलाज बता रहा था, बहुत अच्छा इलाज है, एक नुस्खा बना लें, आप लिख रहे हैं या दादाजी या कुछ कोई मौजूद है जो लिख लें, तो सौंफ धनिया सूखा हुआ आंवला और मेथी का दाना, ये 200 ग्राम लें, और 150 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद, गौंद मोरिंगा सफ़ेद मुश्किल से भी मिलता है और नकली भी मिल जाता है, असली लेना, गौंद मोरिंगा सफ़ेद 150 ग्राम, इसमें मिक्स करके पाउडर बना के एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम दादाजी को खाने से पहले पानी के साथ दिया करें, आपके दादाजी स्वस्थ होना मुमकिन है। उषा है लखनऊ से, स्वागत है आपका। नमस्कार, हकीम जी से बात करवाइए। नमस्कार जी उषा जी, आदाब। नमस्कार आदाब। आपने मेरे बेटे के लिए बताया था वो उन्नाव और ये बिसौड़ा, क्योंकि उसको 2 महीने से ज्यादा होगा चलाते हुए बना, लेकिन उसके अभी बाल भी झड़ रहे हैं और थोड़ा आंखों पे भी असर है, तो आप ऐसी कोई चीज बताइए जो उसके बाल झड़ना भी कम हो जाए और आंखों की रोशनी भी अच्छी रहे, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा है। नजले का क्या हाल है उनके। अभी तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, क्योंकि कोरोना की वजह से बाहर निकलते नहीं है, तो कोई खास फर्क तो लगा नहीं, आया होगा थोड़ा बहुत, उतना महसूस नहीं हुआ। अच्छा देखिए, ये नजले वाले लोगों का इलाज है जिनको छींके नजला खांसी बलगम आता है, और नजले की वजह से जो बाल झड़ते हैं उसके लिए है, और नजले की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं किसी के आँखों पर, किसी के कानों पर, किसी के दांतों पर तकलीफ आती है, तो उससे इसको फ़ायदा होता है, तो ये आप करते रहिए, लेकिन 5-6 महीने करना है आपको, और इसमें अगर आपने पूरी दवाइयाँ ली हैं यानी अलसी भी मिलानी है इसमें और उन्नाव भी मिलाना है और पीपले भी मिलानी है और लिसोड़ा तो आपने मिलाया ही है, अगर कुछ दवा के रूप में चाहते हैं तो माजून आर केयर इसका एक अच्छा इलाज माना जाता है, सुबह शाम देना पड़ता है, ये एक यूनानी की बहुत
ऊंचे दर्जे की दवा है माजू नार केयर, आप ये भी दे सकते हैं, उन्हें फायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं पश्चिम बिहार से, सुमन जी स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार बताइए। मैंने ना डॉक्टर पहले भी फोन किया था, मैंने मंगाया था गौन सिया, तो उससे मुझे काफी रिलैक्स टांगों में है, मतलब जैसे पहले मैं काम भी नहीं कर पाती थी खड़े होकर किचन में, अब मैं 2 घंटा भी खड़ी हो जाती हूँ, पर मुझे थोड़ी सी ना कमर में प्रॉब्लम आ गई है उससे। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि मैंने गौन मोरिंगा मंगाया है अपने सन इन लॉ के लिए, उसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो उसको बनाना कैसे है मुझे नहीं पता, उसके अब क्या मिक्स करना है। एक्चुअली एक दिन आप बता रहे थे पर मेरे से मिस हो गया, फिर मैंने मंगा तो लिया है गौन मोरिंगा, दूसरी क्या चीज उसमें मिक्स करनी है आप मेरे को बताएंगे थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा गौन सिया से आपको फ़ायदा तो शुरू हो गया, थोड़ा कमर में रह गया है, अगर वज़न ज़्यादा हो तो वज़न कम कर लें तो फिर आप पूरी तरह ठीक रहेंगी। और मुबारक बहुत बहुत कि आप खड़ी होने लगी किचन में घंटों, और जो बिल्कुल खड़े नहीं हो पाते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे फीडबैक आता है किसी का, तो बस उस दिन मैं बहुत खुश रहता हूँ, पूरा प्रोग्राम अच्छा हो जाता है। और यह भी कुछ दिन और लेना होगा आपको, और वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम कर लें, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना, ऐसा कुर्सी वाला, ठीक है। और गौंद मोरिंगा आपने मंगा लिया, अब आप लिख लीजिए, देखिए आपको लेना है सौंफ, धनिया, धनिया का दाना, सौंफ का दाना, और सूखा हुआ आंवला और मेथी, ये ले लीजिए आप 150-150 ग्राम लीजिए। और ये 150 ग्राम आपने गौन मोरिंगा लिया है, इसमें मिक्स करके पाउडर बना लीजिए, और 1-1 चम्मच सुबह शाम मरीज को खिलाएं, उनको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। हमारे साथ विमला जी हैं करतारपुर से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी मैम बताइए। हाँ जी मेरे ना पैरों में, घुटनों में, कमर में दर्द रहता है। कब से दर्द है? 4-5 साल हो गए। उम्र क्या है आपकी? 70 वर्ष जी। अच्छा देखिए ये दर्द आपका ठीक हो सकता है, लेकिन आपको 5-6 महीने इलाज करना होगा। और दुनिया की एक ऐसी रॉ मटेरियल मैं जानता हूँ, ये रॉ मटेरियल को काला गौंद या गौंद सिया कहते हैं, इसका असली मिलना ज़रा मुश्किल है। असली आपको मिल गया तो आपका ये दर्द ख़त्म हो सकता है। असली गौंद की जिम्मेदारी आप लीजिए, उसकी खुराक है 1/2 ग्राम सुबह 1/2 ग्राम शाम नाश्ते और खाने के बाद, और ये 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करता है। कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है, और ये दुनिया की सस्ती दवा है, या महंगी दवा भी इसे कह सकते हैं। महंगी इसलिए है कि 10-12 हज़ार रुपये किलो आता है, सस्ती इसलिए है कि आपको सिर्फ 100 ग्राम की ज़रूरत है तो 10-12 सौ का आता है ये, और ये 3 महीने 10 दिन चलता है। तो 10-12 रुपये रोज़ की 2 खुराकें, यानी 2 बार दवा खाएंगे तो 10-12 रुपये आपके खर्च होंगे, और 5-7 दिन इंतज़ार करें, क्योंकि इसमें दर्द कुछ की दवा कुछ नहीं है, ये मर्ज की दवा है। वज़न नहीं उठाएं बिल्कुल, और लगातार खाएं 1/2 ग्राम गौंसिया असली लीजिए, और वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला जो टॉयलेट है उसका आप उपयोग करें तो फायदा मुमकिन है। महाराष्ट्र से अगली कॉलर है शाहीन, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी, मुझे हकीम साहब से बात करनी है। जी जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ जी। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब मैं आपसे बात हो रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं इतनी खुश हूँ। जी मुझे भी यकीन नहीं हो रहा साहब, मेरी बहुत पुरानी परेशानी है, मेरी उम्र 32 साल है। जी जी
और मेरी बहुत पुरानी परेशानी है कि मेरा बाल जो है बहुत कम है, मतलब 5 साल की बच्ची के तो भी बाल अच्छे होंगे, मेरे सामने इतने कम बाल है मेरे, मुझे पहले से ये परेशानी नहीं है, अभी कुछ 15-16 साल से ये परेशानी है, मेरी शादी नहीं हुई है और मेरी मेरा वजन जो है वो बहुत कम है। उम्र कितनी है आपकी बच्चा? मेरी 32। जी जी, ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ऐसे लगता है जैसे वो जल्दी जल्दी कोई खबर सुनते हैं ना, खबर तेज़ी से आपने बात की तो मैंने भी ऐसी करना लगा, कभी कभी मजाक कर लेता हूँ मैं मरीजों से, और ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है। देखिए एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद, याद रखिए सफ़ेद गौन मोरिंगा, तो मोरिंगा में बहुत सारे लोग कभी कोई लाल लाल देने लगता है, लाल रंग का कोई पीले रंग का, गौन मोरिंगा सफ़ेद लेना है, यही असली होता है, 100-200 ग्राम खरीद लें बस काफ़ी होना चाहिए। अब ये रॉ मटेरियल है, टुकड़े टुकड़े आएंगे, ये कच्ची दवा जिसे कहते हैं, इसको आप थोड़ा सा कूटें और फिर थोड़ा छोटा छोटा हो जाए तो ग्राइंडर में इसको करेंगे घुमाएंगे तो ये पाउडर बन जाएगा। अब इसका आधे से एक ग्राम तक समझ लीजिए, आधा एक ग्राम क्या होता है, या तो दूध में डालकर या पानी में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर रोज़ एक बार ले लिया करें, जैसे आपके हालात हैं, अगर गरीब हैं तो पानी मिलाकर फ़ायदा करेगा, बहुत तेज चाहिए तो नारियल पानी मिलाकर, लेकिन वो 40-50 रुपए का आता है, या दूध में मिलाकर, जैसे भी आप चाहें, और 4-5 महीने लगातार लें, आपकी सेहत और आपके बाल, आपका शबाब यानी खूबसूरती भी बहुत पैदा करता है, किसी को मुहासे हों तो वो भी ख़त्म होना मुमकिन है, किसी की सेहत अच्छी नहीं हो, और शादी आपको खुद करनी पड़ेगी, शादी पे ये कुछ मदद नहीं करेगा, लेकिन आप अच्छी लगने लगेंगी, खूबसूरत और बाल वाल अच्छे होंगे तो खूब रिश्ते आते हैं ऐसी लड़कियों के, लड़की के पास शबाब होना चाहिए, मर्द के पास कारोबार होना चाहिए तो खूब रिश्ते आते हैं, मर्द तो टेढ़ा मेढ़ा काला पीला सब चलता है, ये कोशिश कर लीजिए। असली लेना गौन मोरिंगा स्याह, गौन मोरिंगा सफ़ेद,